हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग फ्रेंड्स? आज की वीडियो में है कि आप अपने ब्रेस्ट साइज को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक रहा है हमारे चैनल का, तो आज इस पे वीडियो आ ही गया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ब्रेस्ट के बारे में बता देती हूँ। जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया, इसका कोई परफेक्ट साइज और शेप नहीं है। जैसा आपको भगवान ने बनाया है आपको उसमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ फीमेल्स में इसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है अगर उनकी ब्रेस्ट स्मॉल अपेयर होती है उनको, या उनको अपनी फिजिकल अपेयरेंस खुद नहीं अच्छी लगती तो वो अपनी ब्रेस्ट को बढ़ाना चाहती हैं। तो उनके लिए ये वीडियो है, काम करने वाला है। एंड यस, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूँगी। ब्रेस्ट में मेनली फोर कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है आपका फैटी टिश्यू, सेकंड हो जाता है आपका मिल्क डक्ट्स, थर्ड हो जाता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ हो जाता है आपका ग्लैंड्स। इसमें ये जो सारी चीज़ें हैं आपकी चेस्ट मसल पर होती हैं सिचुएटेड। और आपकी चेस्ट मसल कौन सी होती है? वो होती है पेक्टोरलिस मेजर। तो अभी स्ट्रक्चर मैंने इसलिए बताया है, इसमें जो मैंने पेक्टोरलिस मेजर बताई है, कनेक्टिव टिश्यू बताया है और फैटी टिश्यू बताया है, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जब साइज़ बढ़ता है तो वो ओवरऑल शो करता है कि आपके ब्रेस्ट का साइज़ भी बढ़ गया है। ठीक है, तो ये जो ब्रेस्ट टिश्यू होता है ये कुछ चीज़ों से अफेक्ट होता है, यानी कि कुछ चीज़ों की वजह से इसका साइज़ स्मॉल भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो इसमें सबसे पहला हो जाता है आपका जेनेटिक्स, यानी कि अगर फैमिली हिस्ट्री ही आपकी ऐसी है कि आपकी फैमिली में आपकी दादी नानी मासी मम्मी इनकी जो ब्रेस्ट हैं वही स्मॉल साइज़ की होती हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि आपके ब्रेस्ट भी स्मॉल साइज़ के लिए, तो ऐसे में आप उसको इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सेकंड फैक्टर हो जाता है एज का। एज में भी देखिए, एक आपकी टीन एज होती है, एक एडल्ट एज होती है, तो उसमें जो ब्रेस्ट ग्रोथ होनी होती है आपकी हो जाती है। लेकिन अगर ऐसे में बात करें जब आपका मेनोपोज हो जाता है, तो मेनोपोज के बाद आपकी ब्रेस्ट का साइज़ डिक्रीज होगा, बढ़ेगा नहीं। तो उस लेवल पे, यानी कि जब आप अबव 40 हो जाती हैं, तो उसके बाद आपको ट्राई नहीं करना चाहिए कि आपको अपने ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ाना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है बॉडी वेट। आपके शरीर का वजन भी आपकी ब्रेस्ट साइज़ को अफेक्ट करता है। अगर आप हेल्दी हैं तो आपकी ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ा हुआ होता है, लेकिन अगर आपका वेट कम है, आप अंडर वेट हैं, तो ऐसे में भी आपकी ब्रेस्ट आपको छोटी देखने को मिलेगी। ठीक है, एंड यस, इसके बाद नेक्स्ट है हार्मोनल इम्बैलेंस, जो कि बहुत ज़्यादा देखा गया है। अगर आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस है, यानी कि ईस्ट्रोजन की कमी है, तो भी आपके जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो कम होगा। अब जो ईस्ट्रोजन है इसका क्या रोल है? हाँ, जो ये मैंने ईस्ट्रोजन बताया है, ये एक ऐसा फीमेल हार्मोन है जो कि फीमेल्स की ब्रेस्ट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर इसकी मात्रा ही कम होगी, अच्छे से स्टिमुलेट नहीं होगा, तो आपके शरीर में ब्रेस्ट की ग्रोथ कम होगी। तो इस पर भी हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, एंड यस, ईस्ट्रोजन के बारे में और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी। आपने देखा होगा जो गर्ल्स और बॉयज़ होते हैं, 9 से 10 साल की एज में देखा जाए तो मोस्टली दोनों की चेस्ट एक समान दिखती है ना, उनमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। लेकिन आजकल की एज में देखे गए 9-10 साल से थोड़ा थोड़ा गर्ल्स की चेस्ट में उभार आने लगता है, तो वो इस ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ही होता है, जो कि फीमेल्स के शरीर में एक्टिव हो जाते हैं और जो उनकी ब्रेस्ट का साइज़ उभरा हुआ लगने लगता है वो इस ईस्ट्रोजन की वजह से ही होता है। ठीक है, तो मेन रेस्पॉन्सिबल फैक्टर हमारे यहाँ पर ईस्ट्रोजन का हो गया। तो बाकी सारी चीज़ें जो हम करने वाले हैं इस ईस्ट्रोजन को बढ़ाने के लिए ही करने वाले हैं। मार्केट में जो आपने दवाइयाँ इंजेक्शन देखे होंगे ना, उसमें मेन इसका डेरिवेटिव डाला जाता है ईस्ट्रोजन का। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अभी आपको ब्रेस्ट के बारे में बताया क्या किस तरह की होती है। अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मेन टिप्स जिनकी वजह से आप अपनी ब्रेस्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है करेक्ट पोस्चर। आपको अपना पोस्चर सही रखना है। कुछ फीमेल्स क्या होते हैं, आगे झुकी हुई सी रहती हैं, तो उनका जो ब्रेस्ट है अच्छी तरह से, मतलब प्रोमिनेंट नहीं होता। अगर आप देखते हैं तो अच्छी तरह से उस पर अटेंशन नहीं जाती, दिखता नहीं है उनका ब्रेस्ट अच्छे से, क्योंकि वो इस तरह के झुके हुए होते हैं। तो उनको लगता है कि उनकी ब्रेस्ट साइज़ शायद ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा असल में होता नहीं है। अगर आप करेक्ट पोस्चर करें ना, अपना आप सीधे बिल्कुल तन के बैठें और जो आपकी बैक है बिल्कुल स्ट्रेट रखें, तो तब आपका जो ब्रेस्ट एरिया है वो दिखता है कि हाँ भाई वो कितना है, सही साइज़ में है नहीं है। तो अगर आप अपने ब्रेस्ट साइज़ को लेकर कॉन्शियस है, तो साथ में आप अपने पोस्चर को भी करेक्ट करें, क्योंकि कई बार सिर्फ आप अपना पोस्चर करेक्ट कर लेती हैं तो आपका ब्रेस्ट साइज़ आपको सही नज़र आने लगता है कि हाँ भाई हमारे शरीर पर हमारा ब्रेस्ट साइज़ सही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है राइट सिलेक्शन ऑफ ब्रा। जो आप ब्रा पहनती हैं वो कंफर्टेबल और प्रॉपर फिटिंग की होनी चाहिए। अगर आप लूज़ पहन लेती हैं ना, तो ऐसे में क्या होता है, आपकी ब्रेस्ट में सैगिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। आपका ब्रेस्ट साइज सही रहेगा, लेकिन अगर वो सैग करने लगती हैं एक उम्र से पहले ही,
तो फिर आपको लगता है कि आपकी ब्रेस्ट कम है, ठीक नहीं है, लेकिन दरअसल जो कमी रह जाती है वो आपकी ब्रा की हो जाती है। आप अपनी ब्रा का सिलेक्शन सही से करें, प्रॉपर फिटिंग का करें, उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है अपने चैनल पर कि आप किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं ब्रा से रिलेटेड 15 थिंग्स है, आप वो जाकर देखें, उसमें बिल्कुल अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा होम रेमेडी। होम रेमेडी को लेके मोस्टली लोग अलर्ट रहते हैं कि कुछ घर का नुस्खा बता दीजिए जिससे कि आप अपनी ब्रेस्ट को बढ़ा सकते हैं। कोई भी चीज़ हो सबको लगता है घर का नुस्खा, तो वाकई में ब्रेस्ट को बढ़ाने के लिए एक नुस्खा है जो काम करता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रात को एक गिलास पानी लेकर उसमें एक चम्मच मेथी दाना और एक चम्मच सौंफ आपको डालनी है। पूरा रात भर ये पानी इसी तरह से रहेगा और आप ये ना तो उस पानी का कलर चेंज हुआ मिलेगा, यानी कि जो सौंफ है और जो आपका मेथी दाना है, फेन्युग्रीक है, उनकी प्रॉपर्टीज होते हैं वो पानी के अंदर आ जाती हैं। उस पानी को आपको क्या करना है, स्ट्रेन करना है और आपको पी लेना है। एंड यस, अगर आप खा सकती हैं तो जो मेथी दाना और जो सौंफ हैं जो बचे हुए हैं स्ट्रेन करके बच जाते हैं, आप उनको भी चबाइए, वो खाने में इतने कड़वे नहीं लगते हैं। सुबह उठकर आपको खाली पेट पीना है, तो ये आपके शरीर के एक डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी कर जाता है, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। एंड यस, जो फेन्युग्रीक होता है वो ईस्ट्रोजन को स्टिमुलेट भी करता है, तो ये वाला ड्रिंक आपको स्किप नहीं करना है अगर आप ब्रेस्ट को इंक्रीज करना चाहती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है हमारा डाइट। तो डाइट भी बहुत अहम रोल प्ले करती है, क्योंकि जो ईस्ट्रोजन की कमी अगर आपके शरीर में आ रही है तो उस ईस्ट्रोजन को अब आपको बाहर से लेना है विद द हेल्प ऑफ योर डाइट। जो आप ईस्ट्रोजन बाहर नेचुरल चीज़ों से लेते हैं उसको फाइटो ईस्ट्रोजन बोला जाता है, वो फाइटो ईस्ट्रोजन के फॉर्म में होता है और ये किन किन प्रोडक्ट्स में मिलता है, अगर फ्रूट्स की बात करें तो जैसे आपकी स्ट्रॉबेरीज हैं या फिर जो बेरी फ्रूट्स होते हैं, बेरीज, वाटरमेलन, एप्पल, पीच, ये सब एक फाइटो ईस्ट्रोजन का बहुत ही अहम फूड होते हैं, आप इन फ्रूट्स को कंज्यूम कर सकते हैं। वेजिटेबल्स की बात करें तो कैबेज में अच्छे अमाउंट में होता है ईस्ट्रोजन, आप वो ले सकते हैं। बाद आपके फ्लैक्सीड, ड्राई फ्रूट्स, वॉलनट आप ये कंज्यूम कर सकते हैं, साथ साथ सोया मिल्क, मल्टीग्रेन ब्रेड, इस तरह की जो भी आपकी चीज़ें होती हैं आपको अपने डाइट में ऐड करने हैं। ये हेल्दी होते हैं, फैट भी इंक्रीज करेंगे तो हेल्दी वाला करेंगे, आपका अनहेल्दी फैट इंक्रीज नहीं करेंगे, और इससे आपके शरीर में ईस्ट्रोजन की भी मात्रा पूरी होती है। तो आपको डाइट में ये सब ऐड करना है। एंड फेनुग्रीक मैं पहले बता चुकी हूँ, फेनुग्रीक भी बहुत ही अच्छा है, आप उसको अलग से भी खाइए, लेकिन मैंने उसकी होम रेमेडी बता दी है तो आपको अलग से लेने की इतना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा मसाज। अगर मसाज की बात करें तो काफ़ी वैरायटीज़ के ऑयल आते हैं, फेनुग्रीक ऑयल ले लीजिए, सोया ऑयल ले लीजिए या ऑलिव ऑयल ले लीजिए, या आप इनका कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपकी ब्रेस्ट में सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं, टोन बढ़ाते हैं, एक फर्मनेस लाते हैं आपके ब्रेस्ट एरिया में। एंड यस, जैसे कि सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है तो ईस्ट्रोजन अच्छी तरह से सर्कुलेट होता है आपकी ब्रेस्ट में और उसके साइज को बढ़ाने में भी हेल्पफुल है। एंड यस, ये जो मसाज है ना, अगर सैगिंग की प्रॉब्लम है यानी कि ब्रेस्ट लूज आपको लगती है तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि एक टोन और एक फर्मनेस देता है आपकी ब्रेस्ट को। तो मसाज को स्किप नहीं करना है। एंड इसको किस तरह से करना है, आपको जब आप नहाने के लिए जाती हैं 5-5 मिनट दोनों तरफ के ब्रेस्ट को देना है आपको, और जिसकी मसाज है आपको बाहर से अंदर की तरफ करनी है, यानी कि ऊपर की तरफ पुल करते हुए करनी है, ठीक है। तो ये मेथड अप्लाई करना है और दोनों ब्रेस्ट को 5-5 मिनट के लिए कीजिए, उतना सफिशियंट हो जाता है और ये डेली आपको करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है हमारा एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में मेन हो जाता है हमारा पुशअप एक्सरसाइज। इसके अलावा 3 से 4 और भी एक्सरसाइज हैं जो अच्छा वर्क करते हैं कंबाइन करके चेस्ट के लिए, तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। लेकिन यस, पुशअप एक्सरसाइज का आपने हर जगह सुना होगा कि आपको पुशअप्स लगाने हैं। तो अगर पुशअप्स की बात करें तो मैंने शुरू में आपको ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर बताया कि उसमें चेस्ट मसल होती है पेक्टोरलिस मेजर। तो ये जो पेक्टोरलिस मेजर है, जब आप पुशअप्स लगाती हैं तो इसका साइज बढ़ता है, मसल मास बढ़ेगा ना तो आपकी ब्रेस्ट में फुलनेस आपको दिखेगी, ठीक है। तो बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज होती है। एंड यस, नाम सुन के लोगों को लगता है, जो फीमेल्स एक्सरसाइज नहीं करती हैं, कि पुशअप्स इतने हार्ड होते हैं कैसे लगेंगे, तो सीधा आपको हार्ड वाले नहीं लगाने हैं, स्टार्टिंग आपको वॉल से करनी है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी ये वॉल पुशअप्स। तो देखिए, जो फर्स्ट पिक्चर दिखाई गई है, इस तरह से आपको अपने हाथों को दीवार पर रखकर और पैर पीछे की तरफ रखकर स्ट्रेट ऐसे खड़े हो जाना है, और जब पुशअप्स स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो चेस्ट है उसको दीवार की तरफ लाना है। हैंड्स ऐसे ही रहेंगे, जो आपकी कोहनी होगी उसको आप फोल्ड करके आगे की तरफ जाइए दीवार के पास, और पीछे जो पैर हैं आप देख रहे होंगे हील उठी हुई है, तो इस तरह से कोहनी को मोड़कर हील को उठाकर आपको अपनी चेस्ट को दीवार तक ले जाना है और वापस लाना है। और
एंड ये है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। जब आप वॉल पुशअप्स करने लगें सही से, तो उसके बाद आपको इस तरह से आ जाना है, थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है ग्रेड। आपके घर में बेंच है या चेयर है, इस तरह से सेम प्रोसीजर करना है। बस जो आपकी पोजीशन होगी वो इस तरह से हो जाएगी। इसमें भी अपनी चेस्ट को कोहनी मोड़ने के साथ साथ अपनी जो चेयर है उस तक लाना है। और येस, जब आप इसको भी करने लगे फिर जो आप फ्लोर पे पुशअप्स करते हैं ना वो करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से पुशअप्स को वॉल से, चेयर से, इस तरह से आप फिर फ्लोर पर आएंगे। एकदम से फ्लोर वाले मत कीजिए अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो। और ये जो मैंने भी एक्सरसाइज बताई है आपको, ये 4 टाइम्स करनी है और हर सेट में 10 रिपीटेशंस होंगे। इस तरह से करनी है। आपको किस तरह से लगाने वो मैं आपको बता दूंगी यहाँ पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो मैंने आपको 5 से 6 पॉइंट्स बताए हैं आपकी ब्रेस्ट को बढ़ाने के लिए 100% इफेक्टिव हैं। सारे मैंने पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए हैं। एंड यस, ये चीज़ें आपको एटलीस्ट 3 महीने रेगुलर करनी है अगर आप अच्छा इंक्रीमेंट देखना चाहते हैं अपने ब्रेस्ट एरिया में। ऐसा नहीं है 1 हफ्ता की 2 हफ्ते की, ऐसा नहीं है, उसमें आपको एकदम से कुछ देखने को नहीं मिलता। थोड़ा सा आपको अपना हार्डवर्क देना पड़ेगा, अपने डाइट को फॉलो करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट आपको 100% मिलने वाला है। एंड यस, इस चीज़ को वही फीमेल्स करने वाली हैं जो अपने ब्रेस्ट साइज़ को कम को लेकर बहुत परेशान रहती हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ये चीज़ें फॉलो करेंगी तो आपको रिजल्ट मिलने वाला है। एंड यस, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी यहाँ पर, मतलब शेयर करना चाहूँगी। मुझसे किसी ने पूछा था कि 15 दिन में उनको अपनी ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ाना है, किसी भी तरह से बढ़ा दो, बस कुछ ऐसा बता दो, कोई होम रेमेडी बता दो या कोई दवाइयाँ बता दो ऐसी जिन्हें खाकर मेरा ब्रेस्ट साइज़ 15 दिन में बढ़ जाए। क्योंकि उनकी शादी होने वाली थी और उनको एकदम से महसूस हुआ कि भाई उनका ब्रेस्ट का साइज़ उनको कम लगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, अगर आप किसी और के पास भी जाते हैं, कोई आपसे कहता है कि आपके 2 हफ्ते में ब्रेस्ट साइज़ ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। सिर्फ एक सर्जरी ऐसी चीज़ है जिससे आपका ब्रेस्ट साइज़ एकदम से बढ़ जाएगा। आप ऑपरेशन कराते हैं तो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन बोल देते हैं उसको। उसके अलावा कोई दवाई ले रहे हो आप, कोई होम रेमेडी अप्लाई कर रहे हो, 15 दिन में आपके ब्रेस्ट का साइज़ नहीं बढ़ेगा। किसी की ऐसी बातों में नहीं आना है, क्योंकि उन्होंने ही मुझसे शेयर किया कि मैंने कहीं से सुना है तो मुझे लगा कि क्या पता आपको इसके बारे में पता हो। तो 15 दिन में होम रेमेडीज से, आपकी दवाइयों से या फिर कोई क्रीम लगाने से आपके ब्रेस्ट का साइज़ नहीं बढ़ जाता है। आपको ये चीज़ कम से कम जो मैंने आपको टिप शेयर किया, आपको 1 महीना ज़रूर करने हैं। 1 महीने में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा तो आप उसको और कंटिन्यू करते हैं। एंड अच्छे रिजल्ट के लिए आपको रेगुलर 3 महीने चीज़ें फॉलो करनी है कि आपको भी दिख जाएगा कि हाँ भाई मेरे ब्रेस्ट का साइज़ ऐसा हो गया है। तो किसी की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है, 15 दिन में ऐसा कोई मैजिक नहीं हो जाता है, ठीक। और ये जो मैंने टिप्स बताए हैं इनको फॉलो कीजिए। एंड यस, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।